अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद नादिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट टीवी। दोस्तों एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ आ रहा हूं। दोस्तों आज की इस जबरदस्त वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने फर्स्ट चैनल में सेकेंड चैनल को ऐड करें। फर्स्ट चैनल में किस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि मैं अपने चैनल के नीचे एक और चैनल ऐड किया है। किस तरह करना है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों इसका फायदा क्या होने वाला है, तो अगर आपने एक नया चैनल बनाया, एक नया चैनल क्रिएट किया है, आप चाहते हैं कि मेरे इस पुराने चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं और वो मेरे चैनल न्यू चैनल पे विजिट करें और सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। तो दोस्तों अगर आपका चैनल नहीं है, अगर आपके भाई का किसी चैनल है या आपके किसी दोस्त का चैनल है, आपको उसको ऐड करना है, इस तरह ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह ऐड करेंगे। वीडियो को तो लाइक कर दें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की मजीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल की घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आसानी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, मैं ये मोबाइल की स्क्रीन पे करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये प्रोसेस पूरा कंप्यूटर या लैपटॉप में करना चाह रहे हैं तो भी आसानी हो जाएगा। तो ये मैं आपको, जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो उनको बता रहा हूँ कि किस तरह आप अपने मोबाइल में ये प्रोसेस पूरा करके आप अपने फर्स्ट चैनल में सेकंड चैनल को किस तरह ऐड करें। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्रोम ब्राउजर ओपन। तो मैं यहाँ के क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसमें सर्च करना है आपने youtube.com। तो मैं यहाँ पे youtube.com को सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों YouTube ओपन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड सिलेक्ट कर लेनी है, आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में YouTube ओपन होती है वैसे सेम ओपन हो जाएगी यहाँ पे, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेरे चैनल का आइकन नज़र आ रहा है, आपके भी चैनल का आइकन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस चैनल के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चले जाना है यूआर चैनल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेरा चैनल है यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है। और यहाँ पे आपको शो रहेगा यहाँ पे कस्टमाइज चैनल, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कस्टमाइज चैनल पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल पे अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सा प्रॉब्लम होगी कि दोबारा से ये मोबाइल सेल्फ ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे दोबारा से हम थ्री डॉट पे क्लिक करके दोबारा से डेस्कटॉप साइड क्लिक कर देंगे तो नॉर्मली ये हमारे कस्टमाइज जो चैनल है उस पर चला जाएगा उस पेज पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, इस तरह आप इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड सीन, ऐड सीन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा छोटा सा, आप देख सकते हैं इसमें वगैरह वगैरह लिखे हुए हैं जो भी है पढ़ने के टाइम नहीं। उसके बाद लास्ट में जो आपको ऑप्शन मिल रहा है चैनल का, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइटल देना है कि ये आपका कौन सा चैनल है, आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है या किसी फ्रेंड का चैनल है। आप पहले टाइटल दे दें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो दे देता हूँ टाइटल, मेरे भाई का चैनल है, छोटा भाई है मेरा, उसका चैनल है, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइटल दे दिया, ये मैंने लिखा है यहाँ पे माई ब्रदर चैनल, ये मेरे भाई का चैनल है। यहाँ पे नीचे सर्च करना है चैनल को, और दोस्तों यहाँ पे आप सर्च करके भी इसको आप ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ देसी मुंडा A1। तो ये टॉप पे आ चुका है, आप देख सकते हैं देसी मुंडा A1। तो इस पर, उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नीचे आपको डन लिखा हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे डन पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये मेरे ब्रदर का चैनल जो है, एक चैनल आप यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। तो यहाँ पे आप दो तीन चैनल लगा सकते हैं, चार चैनल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने, यहाँ पे जूम थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे पब्लिश लिखा हुआ है, पब्लिश पे आपने क्लिक करना है। तो ये
जितने भी आपके जो सब्सक्राइबर हैं या फिर कोई व्यूअर्स होता है कोई आपके चैनल पे विजिट करता है, तो सबको ये चैनल शो होगा। तो यहाँ पे इस तरह ये आप अपने चैनल को, सेकंड चैनल को अपने फर्स्ट चैनल में ऐड कर। तो दोस्तों यहाँ पे ये पब्लिश हो चुका है, मैं आपको, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। हम चलेंगे वापस से यूट्यूब ऐप में, जो यूट्यूब ऐप है हम उस पर चलेंगे, उस पर आपको चल के दिखाते हैं कि हमारा जो चैनल है ये ऐड हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों चलते हैं यूट्यूब ऐप में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यूट्यूब ऐप में, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ मेरे चैनल, तो मैं अपने चैनल के आइकन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यूएस चैनल पे चला जाऊँगा। तो दोस्तों नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो मेरी यूट्यूब वीडियो अपलोड है वो है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे मेरे माई ब्रदर चैनल लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे ब्रदर का चैनल देसी मुंडा A1 बड़ी अच्छी वीडियो बना के डालते हैं, आप इस पर भी ज़रूर विजिट करें और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये चैनल तो काफ़ी नीचे है, तो किसी को नज़र नहीं आएगा कोई अगर विजिट करता है हमारे चैनल पे, तो हमने इसको कैसे ऊपर करना है। मैं वापस चला जाता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में, जैसे यहाँ पे हमने इसको ऐड किया था, तो वापस वहीं पे चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कस्टमाइज चैनल पे दोबारा आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे पहले ये जो दो वीडियो नज़र आ रही है और मेरी एप्लीकेशन में भी सबसे टॉप पे एक वीडियो नज़र आ रही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से ये वीडियो दोनों को रिमूव कर। तो यहाँ पे इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ वीडियो, और दोबारा से नीचे वाली वीडियो को भी रिमूव कर देता हूँ इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करके रिमूव वीडियो पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड जो वीडियो वो हमारी सबसे टॉप पे आ रही थी, हमें उसको नीचे करना है, तो सबसे पहले हमने इसको रिमूव करना है, उसके बाद ये अपलोड वीडियो को रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ऐड सीन पे क्लिक करके हम वीडियो अपलोड को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारी वीडियो नीचे आएंगे, ये टॉप पे चैनल आ जाएगा, तो यहाँ पे पब्लिश पे कर देंगे क्लिक, तो ये सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद दोस्तों हम दोबारा यूट्यूब एप्लीकेशन पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये टॉप पे आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जो वीडियो जो है सबसे ऊपर थी, वीडियो जो मैंने लगाई थी वो रिमूव होगी, और उसके बाद जो अपलोड वीडियो हैं वो नीचे आ चुकी हैं, ये चैनल टॉप पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने जो सेकंड चैनल है फर्स्ट चैनल में ऐड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की मजीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल की घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो बआसानी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।